हेलो फ्रेंड, मैं हूं शायला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान रिएक्शन। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान की। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिस तरह से पिछले हफ्ते आपने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर आर्मी को टारगेट किया गया, बलूचिस्तान के अंदर पंजाब से जो लोग थे उनको टारगेट किया गया, बस हवा निकल गई। BLA ने साथ साथ ये जो जितने भी टारगेट उन्होंने अटैक्स किए थे उनका जिम्मा भी लिया। आज मारंग बलोच की बात करेंगे। सबसे पहले आप मारंग बलोच की ये स्पीच सुने। जिसमें हमने देखा कि मारंग बलोच ने पाकिस्तान को टेररिस्ट पाकिस्तान बोला, उसने भाई मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को। नमस्कार दोस्तों, या एंटरटेनमेंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फिर से वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए पाकिस्तान से। जी हाँ, पाकिस्तान में इस समय बहुत ही अफरा तफरी का माहौल है। इतना डर बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और ये लाजमी भी है क्योंकि जो हाल बांग्लादेश के साथ हुआ था वही हाल पाकिस्तान के साथ होने वाला है। बलूचिस्तान में इस समय इस कदर जो है आंदोलन चल रहे हैं, इतने तगड़े स्पीड से चल रहे हैं कि पता नहीं आज कल कब कभी भी खेला हो सकता है। तो ऐसा खेला हो जाएगा पाकिस्तान के साथ भी, क्योंकि जो पाकिस्तानी लोग बांग्लादेश में जो हुआ था उस पर खुशी मना रहे थे ना, वही हाल आज पाकिस्तान का भी है। सेम वही सिचुएशन है, वही प्रेशर है, वही दबाव है, और बलूचिस्तान में नारे तेज हैं। खैर, यहाँ तो ऐसा होना जायज भी है क्योंकि पाकिस्तानी लोग ही ऐसे हैं, कभी किसी की अच्छाई नहीं देखते, हमेशा बुराई ही बुराई देखते हैं। और पाकिस्तानियों के जो बलूचिस्तान में जो लोग हैं, अगर उनको आप उनका हक नहीं देंगे तो वहाँ पर जाहिर सी बात है आंदोलन तो होने ही वाले हैं। और यहाँ तक कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो खुद अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जा रही है, और वो यही बात कह रही है जब आप आम नागरिक की नहीं सुनेंगे तो ये चीज़ें तो होनी ही होनी है। यही सब सारा आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा और आपको काफ़ी आश्चर्य भी होगा और मज़ा भी आएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलकर देखते हैं वीडियो को। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई कमेंट है पाकिस्तानियों को लेकर या किसी और भी चीज को लेकर तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल देके मार दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Hey, y'all, come look at this. दुनिया के लिए जो मैसेज दिया कि अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी है तो आपको बलूचिस्तान आना पड़ेगा। जो बलोच लोगों का जो जेनोसाइड है, हज़ारों बलोच लापता हो गए हैं, उनके बारे में सवाल करना पड़ेगा। और साथ उसने ये कहा कि पाकिस्तान जो है हमारे रिसोर्सेज को लूट रहा है। और ये मारंग ने जो है इंग्लिश के अंदर डिलीवर किया है, और इसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस बयान पर हलचल मच रही है। ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान ने जो है सेपरेशन के जो है नारे लगाना शुरू कर दिया। आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में आप भी फॉलो। देखो जी, बात यह है कि दहशतगर्द कौन बनाता है। हाँ। हम खुद बनाते हैं। अच्छा, आज पीटीआई को देख लो, हम खुद ही पहल बता रहे हैं कि ये जो है ना ये दहशतगर्द हैं। अभी कह रहे हैं डिजिटल दहशतगर्द हैं, फिर ये कहेंगे जी वो असल वाले दहशतगर्द हैं। खान साहब को क्या कहते हैं भी, ये तालिबान है, खुद ही बना रहे हैं ना, जबरदस्ती बना रहे हैं। तो बलूचिस्तान वालों को हमने खुद बनाया है, बाहर से नहीं आ रही है वो। क्या मतलब, पहले वो एक अलग मुल्क नहीं था, मतलब जब पाकिस्तान बना बिल्कुल अलग रियासत थी वो, वहाँ बड़े बड़े वहाँ मौजूद थी, कराची सब कुछ अलग थे उस वक्त, तो कोई दहशतगर्दी नहीं थी। तो अब कैसे आ गई है, तो अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं हम, तो तब ये जंग आई है ना। तो मसला असल यही है कि हम जो है ना कुछ डॉलरों के पीछे, वो किसी ने कहा था हम डॉलरों के पीछे अपनी माओं तक कुछ बेच डालते हैं, बड़ा वायरल गया था। हाँ जी, तो वो इस वजह से दहशत कर दिया है। अभी मारंग जब जब बोलती है, कह रही है रा की साजिश है, फंडिंग इंडिया कर रहे हैं। कौन कहता है, मतलब मारंग तो एक मोहब्बे वतन है। अच्छा। वो क्या क्या डिमांड कर रही है, उसने क्या डिमांड किया मुझे बताएं। उसने क्या अलग कहा कि जो मिसिंग पर्संस हैं उनको अदालतों में पेश किया जाए, हजारों बलोचों का। आज मुझे देखें, आज देखें, आज वो सच्चे हैं। ये इधर लाहौर से कितने उठाए गए हैं बताएं, 9 महीने के नाम उठाए गए हैं। तो इसी तरह अब वो आज साबित ये हो रहा है कि वो भी बेचारे इसी तरह सच्चे हैं। अच्छा, तो और क्या है, तो सामने नजर आ रहा है। आज तो हर घर में यही हालात है। आज आप हमें कोई हक की बात, कोई बंदा जितने लोग ठहरे हैं हक की बात करके दिखा दो, उसको उठा लेंगे। लेकिन स्टेट कह रहा है ये हमारे खिलाफ बात करते हैं ना, इस वजह से। स्टेट कौन है इधर, स्टेट कौन है इधर, और जजों के साथ क्या हो रहा है इधर।
जजों के साथ, हमारे जजों के साथ क्या हो रहा है। वो बेचारे रो रहे हैं कि हमारे बेडरूम में कैमरे लगे हुए हैं। फिक्र ना करें। मगर क्यों? लोग भूल जाएंगे इसको। जी। तो फिर अभी वो जहांगीर साहब जो है वो उसकी डिग्री प्रोफेसर को उठा लिया है। भाई आपने उसके क्यों उठा लिया? ये उसके हक में बोलेगा, जज के हक में। अब मतलब इतने हमारे पास हथकंडे हैं कि हम 40 साल पुरानी डिग्री को भी हम जाली करार देकर उसको फारिग कर सकते। तो आप इंडिया की इन्वॉल्वमेंट नहीं मान रहे, आप कह रहे हैं कि ये बलोच के देखो ना, जब हम आपस में लड़ रहे हैं। जो हमारे ने अल्फाज इस्तेमाल किए वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये तो सिर्फ बलोचों के साथ नहीं, पश्तून के साथ भी यही हो रहा है। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ये रवैया बलोचों के साथ और पश्तून के साथ यहीं रखेगी तो ये मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा आखिरकार। क्योंकि ये जो जितने भी मदनियत है बलूचिस्तान के, वो पहले पंजाब को दिए जाते हैं। इसके अलावा बलोचों को टेररिस्ट भी कहा जाता है, मिसिंग भी पर्सन भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट से उस पर कोई एक्शन नहीं। पाकिस्तान गवर्नमेंट कहती है कि वहाँ पर इंडिया इन्वॉल्व है और बलोच जो है इंडिया के कहने पर ये सब। ये मजा नहीं आ रहा है, ये तो बहाने करे ना कि ये बहाना है, सिंपल ये बहाना है। अभी जो कह रहे कि अफगानिस्तान पश्तून चाह रहे कि हम अफगानिस्तान के साथ मिल जाए, ये तो बहाने बना रहे। टेररिस्ट जो है ना अफगानिस्तान के साथ कई बॉर्डर अटैच है। हाँ। ये टेररिज्म सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है, तो इसका तो कोई तो हल होना चाहिए। हाँ, अफगानिस्तान में टेररिज्म नहीं है लेकिन पाकिस्तान खुद में कर रही है। कहा जाता है कि महरंग को जो है इंडिया की तरफ से पैसे मिल रहे हैं, इस वजह से महरंग तोड़ने की बात। ये ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं क्या, मंजूर पश्तीन को पैसे दिए जा रहे हैं या महरंग को दिए जा रहे हैं? ये लोग सिर्फ अपने हक के लिए कड़े और मजलूमों के साथ कड़े और कुछ भी नहीं है, बस पाकिस्तान गवर्नमेंट से वो अपने हक चाहते हैं। तो क्या अब अंग्रेज आएंगे बलूचिस्तान को सुनने के लिए? देखो क्योंकि वो तो इंग्लिश में बात कर रही हैं, वो तो पूरी दुनिया को बता रही हैं कि बलोच का मसला क्या है। पाकिस्तान अंग्रेज का गुलाम है, अगर वो अंग्रेज से मुतालबा करे तो शायद उनका गुलाम मान जाए। समझी नहीं मैं इस बात को। मतलब पाकिस्तान जो है ना अंग्रेजों का गुलाम है, हमारी गवर्नमेंट अंग्रेजों का गुलाम है, वो जो कुछ भी करती है अंग्रेजों के कहने पर करती है। अच्छा, तो अगर वो अंग्रेजों से वो अपील करे तो शायद ये माने। देखो जब हम खुद अपने भाइयों को मार रहे हैं, उठा रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं या उनमें हम नफरत पैदा कर रहे हैं तो इंडिया को क्या जरूरत है? असल जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको तो फिर। मतलब आप अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी चला रहे हैं। और क्या है, सबको पता है। अच्छा, ये जो महरंग ने इस दफा इंग्लिश में स्पीच की है, हालांकि महरंग बलोच बोलती है बलोचिस्तान के अंदर, और जितने भी बलोच लोग थे हालांकि उन्हें इंग्लिश की समझ नहीं आ रही ज्यादातर को, उन्होंने बहुत जोरदार क्लैपिंग की। मतलब बलोच को इतनी समझ आ गई कि महरंग जो बोल रही है वो हमारे हक में बोल रही होगी, और महरंग ने ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया को दावत दी है। इंग्लिश में बोला उन्होंने, तो खैर वो मैंने तो सुना नहीं है। हाँ। तो अच्छा ही बोला होगा, हमें तो पता है वो गलत। देखो गलत उसने क्या बोला होगा, वो ये तो नहीं कहा।